जय हिंद एवरीवन। लगभग 6 महीने का समय बाकी है एसएससी जीडी की परीक्षाओं के आयोजन होने में। एसएससी जीडी इस देश के चुनिंदा कॉम्पिटिशन्स में से एक, जिनमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर बच्चे को प्रैक्टिस के लिए सटीक क्वेश्चंस मिलें, ऐसे क्वेश्चंस मिलें जिनके जैसे क्वेश्चन उसे एग्जाम में मिल सकें, तो कहना ही क्या, बच्चे के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी नहीं, ऑल इंडिया रैंक की प्रोबेबिलिटी। हम बात करते हैं अंग्रेजी के 20 में से 20 क्वेश्चन सही होने की। तो ये जो मॉडल पेपर्स की सीरीज मैं आपके लिए लेकर चल रहा हूं और आपके एग्जाम तक लेकर चलूंगा, इस सीरीज में 50 से ज्यादा पेपर मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। यदि आपने इन 50 के 50 पेपर्स का रिवीजन के साथ मेंटेन कर लिया, तो मेरा दावा है कि आप 20 में से 20 सही करेंगे, 80 में से 80 लेकर आएंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के हैं। क्वेश्चंस जैसा कि आप जानते हैं बहुत डिफिकल्ट एसएससी जीडी में नहीं होते हैं। आवश्यकता है उन क्वेश्चंस को ठीक से समझ के सॉल्व करने की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू डैश एक्सरसाइज डेली। अब इस डैश में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। हेल्पिंग वर्ब शुड हैव तो हो नहीं सकती, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और यह पास्ट में यूज किया जाता है। शुड हमारा एक प्रोबेबल आंसर है। शुड लगाइए, इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू शुड एक्सरसाइज डेली, काम खत्म, आंसर हमको मिल गया। बी फॉर बॉम्बे हमारा आंसर आ गया। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये सेकंड क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स का है और इस सेकंड क्वेश्चन में भी हेल्पिंग वर्ब ही मिसिंग है। शी डैश कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकती है। तो यहां कैन एक सूटेबल आंसर वैसे ही पड़ जा रहा है। ए फॉर ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर है। आंसर हमें ऑलरेडी मिल चुका है, शी कैन स्पीक इंग्लिश। यहां पर मे ऑट शैल की जरूरत नहीं है। मे का यूज किया जाता है प्रोबेबिलिटी के लिए, ऑट मोरल ड्यूटी के लिए, शैल फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। इन तीनों में से किसी की आवश्यकता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी फिल इन द ब्लैंक्स का है और फिल इन द ब्लैंक्स में आई एंजॉय, मैं मजे लेता हूं, एंजॉय करता हूं डैश लाइव क्रिकेट मैचेस, लाइव क्रिकेट मैच देखने का। तो एंजॉय के बाद बच्चों जीरंड लगाया जाता है, जीरंड की वजह से वॉचिंग यहां सही हो जाएगा। सी फॉर कलकत्ता हमारा आंसर हो जाता है। तीन क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। ही लव्स डैश ऑफ अस, वो हम में से डैश को प्रेम करता है। अब डैश मतलब हर किसी को, जैसा कि इसके मीनिंग के आधार पर है। नो वर्ड तो हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई आंसर तो लगाना पड़ेगा। मच भी नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल के लिए लगता है, मनुष्य काउंटेबल होते हैं। एवरी और ईच में से ईच ज्यादा बेटर आंसर है, सी फॉर चंडीगढ़, क्योंकि एवरी का यूज करने के लिए मिनिमम 3 लोगों का होना जरूरी है और यहां पता नहीं लोग कितने हैं, 2 भी हो सकते हैं, इसलिए ईच का यूज किया जा सकता है। इसके आगे क्वेश्चंस पर आने से पहले एक सूचना है आप लोगों के लिए कि ये जो इस एग्जाम का मॉडल पेपर आप देख रहे हैं, यदि उस एग्जाम की सटीक तैयारी ऑफलाइन में करना चाहते हैं, आज ही कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर 9696330033 पर कॉल करके दाखिला लें और निश्चित रूप से आप सफलता की गारंटी को सुनिश्चित करेंगे और आप केवल सेलेक्ट नहीं होंगे बल्कि आप ऑल इंडिया रैंक में अपनी पोजिशन मेंटेन करेंगे। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 इस समय बोर्ड पर मौजूद है। यह भी फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल है। डोंट प्रोहिबिट मी, मुझे मत रोकिए डैश हेल्पिंग। अब प्रोहिबिट के बाद फिक्स प्रीपोजिशन होती है फ्रॉम, तो डोंट प्रोहिबिट मी फ्रॉम हेल्पिंग, ए फॉर एप्पल हमारा आंसर आ गया। आते हैं बच्चों 6 क्वेश्चन पर। कॉमन एरर का सवाल है, बोर्ड पर आपके सामने मौजूद। ही प्रीफर्स स्विमिंग देन हॉर्स राइडिंग। अब प्रीफर के बाद हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन में TO2 का यूज किया जाता है, तो ही प्रीफर्स स्विमिंग टू हॉर्स राइडिंग। यहां पर हमको स्विमिंग के बाद देन की जगह टू लगाना पड़ेगा। बी फॉर बॉम्बे हमारा आंसर हो गया, बी फॉर बॉम्बे। अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ये भी बच्चों हमारे पास कॉमन एरर का एक क्वेश्चन है। देखिए, रवि इज वन ऑफ दोज मैन, रवि उन लोगों में से एक है, हु डैश नोज नथिंग, जो कुछ नहीं जानते हैं। तो रवि उन लोगों में से एक है जो कुछ नहीं जानते हैं। अब इस केस में क्या होगा, ये होगा कि रवि ऑफ दोज, यहां पर जो हु लगा है रिलेटिव प्रोनाउन,
ये लगता है अपने एंटीसिडेंट के तुरंत बाद, मतलब जिस नाउन के लिए हु लगा है वो नाउन हु के ठीक पहले यूज किया जाएगा। इस केस में ये यहां हो जाता है प्लूरल, मतलब बहुवचन, तो हु विल ऑटोमेटिकली बिकम प्लूरल। इन सच अ केस नोज विल बी रॉन्ग, नोज गलत हो जाएगा और नोज की जगह लगेगा नो। नो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है जिसमें आंसर हो गया हमारे पास सी फोर चंडीगढ़। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए और 8 वोक्यूबुलरी का क्वेश्चन है। वोक्यूबुलरी में ये क्वेश्चन है हमारे पास एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज द नियरेस्ट, सिनोनिम का सवाल है। सिनोनिम में हमारे पास शब्द है मोरोज। अब मोरोज का मतलब होता है बहुत ज्यादा दुखों में डूबा हुआ, मोरोज का मतलब बेहद ज्यादा दुखों में डूबा हुआ। तो बेहद ज्यादा दुखों में डूबे हुए के लिए यहां क्या लगेगा, ग्लूमी, क्योंकि फ्यूरियस का मतलब हो जाता है क्रोधित, डिसअपॉइंटेड माने भी दुखी होता है, लेकिन ग्लूमी में ज्यादा दुख है, इसलिए 8वें का आंसर हो गया सी फोर चंडीगढ़। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा हमारे ऑनलाइन कोर्स के बारे में। तो जिस कंपटीशन का ये मॉडल पेपर है एसएससी जीडी या सोल्जर एंट्री का कोई भी दूसरा कंपटीशन, आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल, आर्मी क्लर्क, आर्मी नर्सिंग या एमईएस वगैरह कोई भी कंपटीशन, यदि आप उसकी ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई की जो वर्तमान में कॉस्ट है वो है मात्र 1499 रुपया, 1499। तो अब देर किस बात की भाई, बच्चों के सामने एक ही समस्या होती है जी फीस ज्यादा है। अब तो फीस भी कम हो गई, फीस कम हो गई तो तुरंत कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए 9696330033 और आज ही दाखिला लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 9, और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये अपोजिट वर्ड का सवाल है, एंटोनिम का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर आपको वेटरन का एंटोनिम बताना है। वेटरन का मतलब होता है बहुत पुराना, बहुत अनुभवी, बहुत परिपक्व। अब इसका अपोजिट जब हम बताएंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा नोवाइस, सी फोर चंडीगढ़, क्योंकि नोवाइस का मतलब होता है एकदम नया, न्यू। एक्टिविस्ट मतलब आंदोलनकारी, एंथुजियास्ट मतलब किसी चीज का दीवाना, किसी के पीछे पागल, ऊर्जा में बेतशाहा, उसको उस चीज में डूबा हुआ। मास्टर माने मालिक होता ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, यह है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल, और इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक ऐसा कमरा जहां डेड बॉडीज को रखी जाती हैं अंटिल बरियल, मतलब अंतिम संस्कार करने से पहले डेड बॉडीज जहां पर रखी जाती हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे जी ग्रेव तो कहेंगे नहीं क्योंकि ग्रेव माने होता है कब्र, उसे ग्रेव नहीं कह सकते हैं बिकॉज ग्रेव माने कब्र होता है जहां डेड बॉडी को दफनाया जाता है। उसे सिमेट्री भी नहीं कह सकते हैं बिकॉज सिमेट्री का भी मतलब होता है कब्रिस्तान जहां डेड बॉडियां दफनाई जाती हैं। मॉर्चरी यही हमारा आंसर है। अस्पतालों में डेड बॉडीज रखने वाले कमरे को क्या कहते हैं बच्चों, मॉर्चरी कहते हैं, यह हमारा आंसर है। पायर एक शब्द और है यहां पर, इसका ध्यान दीजिएगा, पायर इसका मतलब होता है बच्चों ज्वाला। पायर का क्या मतलब होता है भैया, ज्वाला, वो जो अग्नि होती है दैट इज कॉल्ड पायर, दैट इज कॉल्ड ज्वाला। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए, ये है डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स, इडियम्स का सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए टू सेट द थेम्स ऑन फायर, थेम्स मतलब एक जगह का नाम है और एक रोमन कहानी से ये इडियम कहावत ली गई है, टू सेट द थेम्स ऑन फायर, इसका मतलब होता है बहुत बहादुरी का काम करना। तो टू रैक इविल ऑन समथिंग मतलब किसी चीज पर नजर लगा देना, यह भी नहीं हो सकता। टू डिस्ट्रॉय विद फायर जलाकर नष्ट कर देना, यह नहीं होगा। To do a heroic deed, यही हमारा आंसर होगा, बहुत बहादुरी का काम करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड आपको यहां पर बताना है, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड जिसकी स्पेलिंग आपको सही करनी है। तो शब्द यहां पर है मासेकर, क्या शब्द है बच्चों, मासेकर, मासेकर बोले तो जनहत्या, मासेकर बोले तो जनहत्या, किसी समूह की पूरी हत्या, इज कॉल्ड मासेकर। आंसर है हमारा ए फॉर एप्पल, इसकी स्पेलिंग होती है MASSACRE, बस यही स्पेलिंग्स हैं, यही हमारा आंसर है।
तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 12 और अब चलते चलते हम आ गए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले मैं आपको बताऊंगा मेजर कल्ची की पुस्तकों के बारे में जहां से पेपर आउट होता है। जी हां, आपने सही सुना, एसएससी जीडी का पेपर, आर्मी जीडी का पेपर, आर्मी टेक्निकल, आर्मी क्लर्क, आर्मी नर्सिंग का पेपर, गारंटी के साथ पूरा का पूरा पेपर आपको हमारी ही किताबों से मिलेगा। तो आज ही कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर 9696330003 पर कॉल करिए, किताबें ऑर्डर करिए। इस समय 25% के डिस्काउंट पर आपको आपकी परीक्षा की किताबें मिल जाएंगी। आइए अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 13, यू आर टीजिंग देम, ये सेंटेंस है, आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो यू आर टीजिंग देम का पैसिव वॉइस आर है, तो पैसिव वॉइस बनाने में वर्ड तो लगेगा ही नहीं। आर है तो दे आर टीजिंग बाय यू, ये भी नहीं बनेगा, मीनिंग गलत है। दे हैव बीन, ये भी गलत है। दे आर बीइंग टीज्ड बाय यू, यही है सही जवाब, डी फॉर डेली। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन, डी फॉर डेली यहां सही जवाब मिल गया। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल, नरेशन चैप्टर। सितारा ने मुझसे कहा हैव यू टेकन योर लैपटॉप, सितारा ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने अपना लैपटॉप ले लिया है। तो सितारा आस्क्ड मी, आस्क्ड मी तब तो ठीक है, और आस्क मी चारों में लगा है तो चारों ठीक हो गए। उसके बाद इफ लगा है, इफ भी लगेगा, वेदर नहीं लगेगा। वेदर उन सेंटेंसेस में लगता है जिनमें और नॉट होता है, तो वेदर वाला तो वैसे ही गलत हो गया। इफ सपोज, सपोज गलत है, उसके बाद हैव ये भी गलत हो गया। इफ वी हैड, अब यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक, ऑब्जेक्ट है मी तो सेकंड पर्सन को बदल के लगाना पड़ेगा आए, इसलिए आंसर हो गया ए फॉर एप्पल। यहां वी लगा है, इस वाले वी की वजह से सवाल हो गया गलत। समझ में ना आया हो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, क्लियर हो जाएगा। फिर भी समझ में ना आए तो टेंशन किस बात की, मैं किस मर्ज की दवा हूं, चैट बॉक्स में कमेंट डालिए, मैं आपको रेस्पॉन्स करूंगा। तो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 है रीअरेंजमेंट का सवाल। रीअरेंजमेंट मतलब आपको इन चारों टुकड़ों को रीअरेंज करना है एक ऐसे तरीके से कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। रीडिंग बुक इज अ हैबिट, यहां से हम वाक्य को शुरू कर सकते हैं डाउटलेसली, कोई दिक्कत नहीं है। रीडिंग बुक इज अ हैबिट, हम पी से वाक्य को शुरू कर सकते हैं, दो ऑप्शन हमारे शुरू हैं, लेकिन पी के बाद क्या क्यू लग पाएगा, ये सवाल सिलेक्शन के नहीं भैया, रिजेक्शन के होते हैं, ऑप्शन हमको डिलीट करने पड़ेंगे। क्यू है बट ऑल्सो एनलार्ज इन माइंड, अब पी और क्यू का आपस में कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा है। यहां अगर हम पी के बाद क्यू लगाएंगे तो कोई सेंटेंस का मीनिंगफुल बैठेगा ही नहीं, तो पी क्यू आर एस गलत हो जाता है। अब पी के बाद क्यू नहीं लग पाएगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म और ये भी ऑप्शन खत्म, दो ऑप्शन खत्म होते हैं। फिर पी के बाद एस देखिए, रीडिंग बुक इज अ हैबिट बिकॉज इट इज नॉट ओनली इंक्रीजेस नॉलेज, बिकॉज इट नॉट ओनली इंक्रीजेस, पी के बाद एस भी नहीं सेट हो रहा है, कोई हिंदी ही नहीं है, तीन ऑप्शन रिजेक्ट, एक बचा वही आंसर, लेकिन एक बार पूरा सवाल देख लेना चाहिए। विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाय एवरीबडी, पी के बाद, सॉरी पी के बाद बच्चों हमने एस की जगह आर पढ़ लिया था तो वो इसीलिए थोड़ा मिसमैच हो गया। फाइनली हमारे दो ऑप्शन रिजेक्ट होते हैं पी क्यू वाले। अब पी के बाद एस को अगर हम देखें कि विच मस्ट बी कल्टिवेटेड, तो एस से हमारा सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन बचा पी एस आर क्यू बी फॉर बॉम्बे, पढ़ लो एक बार, रीडिंग बुक इज अ हैबिट विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाय एवरीबडी। किताबें पढ़ना एक ऐसी आदत है जो हर किसी को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, बिकॉज इट नॉट ओनली इंक्रीजेस नॉलेज, क्योंकि ये केवल ज्ञान नहीं बढ़ाती बट ऑल्सो एनलार्जेस द माइंड, ये दिमाग के आयतन को बढ़ा देती है, और हमारा दिमाग थोड़ा बड़ा हो जाता है, हमारी आईक्यू बढ़ जाती है, मेमोरी बढ़ जाती है, और हम आसानी से कंपटीशन क्वालिफाई करके अधिकारी बन जाते हैं, अपने और अपने घर वालों के सपने पूरे कर देते हैं, इससे ज़्यादा क्या जरूरी है, पढ़ो किताबें। तो भैया ये हुआ क्वेश्चन नंबर 15वां। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 16 से बच्चों पैराग्राफ है, यहीं पर आप वीडियो को पॉज करेंगे, पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और आंसर्स पर ध्यान देंगे। देखिए वीडियो पॉज करिए, पैराग्राफ पढ़िए, वीडियो पॉज करिए और पैराग्राफ पढ़िए, बाकी मैं आपको आगे देखता हूं कि स्टॉकहोम इज स्प्रेड आउट ऑन आर्चिपेलागो ऑफ 14 आइलैंड।
ये जो स्टॉकहोम जगह का नाम है ये फैला हुआ है आर्चिपेलागो प्रायद्वीपों के समूह को कहा जाता है आर्चिपेलागो 14 आइलैंडों के वेयर लेक मेलेरिन मीट्स द बाल्टिक सी। ये एक नदी का नाम दे दिया, नहर है लेक मेलेरिन, ये बाल्टिक समुद्र से मिलती है। मोर एयरी देन वेनिस, वेनिस से भी ज्यादा हवा वहां चलती है। वाइड ओपन स्पेसेस, बहुत बड़ी बड़ी जगह हैं। इट इज 1/3 वाटर, एक तिहाई वहां पानी ही है। वेनिस आप जानते ही हैं, दुनिया का एक ऐसा शहर जहां सड़कें ही नहीं हैं, पानी है। इट ऑल्सो द थर्ड, मतलब 2/3 कंबाइन आर्च्ड ब्रिजेस, वहां इसका जो दूसरा 2/3 है उसमें भी बहुत सारे आर्क्ड ब्रिजेस, मतलब कर्व वाले पुल बने हैं। जेट फाउंटेन, बहुत सारी जेट फाउंटेन लगी हुई हैं। फैंस ऑफ ग्रेट आउटडोर्स, जो ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी आउटडोर चीज जगहों पर जाना चाहते हैं। दिस इज एन एमिएबल एंड ग्रेसफुल होम, ये बड़ा ही अच्छा, एमिएबल माने फ्रेंडली और ग्रेसफुल मतलब मित्रवत घर है टूरिस्टों के लिए। एंड अ हेल्दी एनवायरनमेंट, बड़ा सेहत वाला वातावरण है, इन विच जिसमें रहा जा सकता है। मिनट्स फ्रॉम द सिटी सेंटर, शहर का जो केंद्र है उससे थोड़ी ही मिनटों पर आर पार्क्स एंड वुडलैंड, वहां पर पार्क पार्क हैं और वुडलैंड मतलब जंगल टाइप के हैं। फॉर रिक्रिएशन, जहां हमें चीजें रिक्रिएट करनी हो उसके लिए हम वहां जा सकते हैं। एंड क्लियर वाटर फॉर स्विमिंग एंड फिशिंग, मछलियां पकड़ने के लिए एकदम साफ पानी और तैरने के लिए। सर्दियों में एवरीवन टेक्स टू आइस स्केटिंग, वहां का हर आदमी बर्फ पर स्केटिंग के लिए निकल जाता है। और आर्टिफिशियल रिंक्स, आर्टिफिशियल बर्फ की चादरों पर इन द शेडोज ऑफ ग्रैंड पैलेसेस, बड़े बड़े महलों की शेडो में। और ऑन द फ्रोजन वाटर ऑफ द चैनल, या चैनल का जो फ्रोजन वाटर है जमा हुआ पानी है उस पर। अब आगे देखिए कि स्टॉकहोम इज ऑल्सो सिटी ऑफ द लीडिंग एज ऑफ फैशन, फैशन क्या जो युग है उसमें स्टॉकहोम इज अ सिटी ऑफ लीडिंग एज ऑफ फैशन, फैशन के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है, डिजाइनिंग के लिए और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए। वहां बहुत सारे फैशन हाउसेज हैं, आईटी की कंपनीज हैं, सिटी को यूज करते हैं एज अ टेस्ट मार्केट फॉर देयर इनोवेशन। कोई नया आविष्कार कर दिया, उस शहर में ले जा गए उसको टेस्ट करने के लिए। स्पेशली एज स्टॉकहोमर्स, जैसा कि वहाँ के जो नागरिक हैं आर फॉलोअर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। अब ये जो है शहर, ये कैपिटल है एज वेल एज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ स्वीडन, ये एक्चुअली स्वीडन के बारे में बात हो रही है, स्वीडन का राजधानी भी है, सबसे बड़ा शहर भी है। इट इज़ द साइट ऑफ द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, उस देश की संसद और उस देश की गवर्नमेंट उसी शहर में पाई जाती है भाई, तभी तो वो राजधानी है। एन आर्चिपेलागो इज अ कलेक्शन ऑफ, अब आर्चिपेलागो जो है वो किस चीज का कलेक्शन होता है, जाहिर सी बात है टापुओं का कलेक्शन होता है। उसके बाद स्टॉकहोम जो है वो क्या है, स्टॉकहोम 1/3 वाटर एंड 2/3 आर्क ब्रिजेस, जेट फाउंटेन्स एंड पैलेटियल बिल्डिंग्स, यही है क्योंकि पीछे पैसेज में बताया है कि 2/3 में बहुत कर्व वाले पुल हैं। तो यहां पर ये आंसर हो गया, A4 एप्पल 17वें सवाल का आंसर हो गया, आगे पढ़ना ही नहीं है। 18वां सवाल कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड एमिएबल, अब एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत, एमिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों, मित्रवत, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा अनप्लीजेंट, जो खुशनुमा ना हो। अब एक और सूचना आपके लिए कि देखो खुद को परखने के लिए टेस्ट सीरीज बेहद ज्यादा आवश्यक वस्तु है, तो टेस्ट सीरीज के लिए आप परचेज कर सकते हैं मात्र ₹199 में 20 मॉक टेस्ट। उसके लिए भी आपको 9696330033 पर संपर्क करना है और आपका काम तुरंत होगा। समझ गए बच्चों, चलिए जी केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 मिनट में आधा मिनट में निपटाते हैं। देखिए व्हाई इज द स्टॉकहोम यूज्ड एज अ टेस्ट मार्केट इनोवेशन बाय आईटी कंपनीज, के जो शहर का नाम दिया है स्टॉकहोम, जो स्वीडन की राजधानी है, ये क्यों यूज किया जाता है टेस्ट मार्केट के रूप में। तो ये टेस्ट मार्केट के रूप में भैया इसलिए यूज किया जाता है, फॉलोअर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लार्जेस्ट सिटी ऑफ द स्वीडन, इसका तो कोई मतलब हुआ नहीं, सिटीजंस फैशनेबल है इसका भी कोई मतलब नहीं है, पीपल लाइक द आउटडोर्स इसका भी मतलब नहीं है। यही हमारा आंसर है कि जो शहर के नागरिक हैं वो टेक्नोलॉजी के फॉलोअर हैं। अंतिम सवाल मॉडल पेपर का, स्टॉकहोम इज इंपॉर्टेंट टू द कंट्री बिकॉज, स्टॉकहोम उस देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें पैलेटियल बिल्डिंग्स हैं कोई मतलब नहीं, पार्क्स हैं वहां पर इसलिए भी मतलब नहीं, आर्टिफिशियल स्टेगरिंग ये भी कोई मतलब नहीं, लार्जेस्ट सिटी है और कैपिटल है इसलिए इंपॉर्टेंट है।
तो कैसा लगा ये मॉडल पेपर एसएससी जीडी का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी सवाल में डाउट है निसंकोच पूछिएगा, मैं आपका आंसर दूंगा। जय हिंद।